नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी टिप्स में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हुलहुल के पौधे के बारे में, जिसे हुरहुर, जंगली सरसों, हुरहुरिया के नाम से भी जानते हैं। हुलहुल का पौधा बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा उगता है, जो कि ये ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता है, इसलिए यह सिर्फ बरसात के दिनों में ही देखा जाता है। अगर आप गांव या जंगलों के पास ही रहते हैं तो आपको ये इस समय आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हुलहुल का पौधा लगभग 2 हाथ ऊंचा होता है, जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं। इसके पत्ते पवाड़ के पत्तों से मेल खाते हैं। इसकी फलियां 2 से 3 इंच लंबी ऊपर की ओर उठती है, जो कच्ची होने पर हरी व पकने पर अंदर से काले रंग के बीज निकलते हैं। इन्हीं काले बीजों के कारण इसे काफ़ी जगह जंगली सरसों भी कहते हैं। इसकी शाखा व फली पर छोटे छोटे रोम होते हैं। हुलहुल तीखी, कड़वी और स्वभाव में गर्म होती है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग कफवात रोगों में, फोड़े, शीत बुखार में, परमेह, पेट के कीड़े, कोड कुष्ठ रोगों में, त्वचा रोग, आंतों का दर्द, पेट के मरोड़े, जलोदर व ज़्यादातर कान के रोगों में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग बवासीर, वीर्य को गाढ़ा करने में व ठंड के कारण हुआ हड्डियों व जोड़ों के दर्द में प्रयोग किया जाता है। आप इसके पूरे पौधे को उखाड़ ले और सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें। इसके आधे चम्मच चूर्ण की मात्रा का सेवन आप शीत बुखार, परमेह, कफ रोगों में व ठंड के कारण सूजन व जोड़ों में दर्द होने पर पानी या शहद के साथ कर सकते हैं। यह पौधा गर्म प्रकृति का है, इस कारण आपको सर्दी कम लगेगी। पेट के कीड़ों में इसके बीजों का चूर्ण आधी चम्मच से आधी मात्रा में शहद के साथ देने से पेट के कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। बवासीर में इसके पत्तों की चटनी बनाकर फोड़े पर लगाई जाए तो बहुत जल्दी आराम होता है। इसके पत्तों के रस की 2 बूंदे कान में डालने से कान के दर्द में तुरंत लाभ होता है। हुलहुल का पौधा गर्म प्रकृति का होता है, इस कारण अपनी स्थिति अनुसार या वेद की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी हुलहुल के पौधे की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आयुर्वेदिक देसी घरेलू नुस्खे जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।